दोस्तों, अगर आप भी पांड्या सैमसन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, पहले गेंदबाजी, फिर उम्दा कप्तानी और अंत में धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर आज हार्दिक पांड्या ने अकेले राजस्थान की टीम के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। कैसे इस ऑलराउंडर ने आज राजस्थान की टीम को आड़े हाथ लिया, आपको इनकी बैटिंग के साथ साथ गुजरात की टीम की पूरी जीत का वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन इन दोनों में से सबसे बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 में मुकाबले तो बहुत हुए, लेकिन मुकाबला जब दो ऐसी टीमों के बीच में हो जो कांटे की टक्कर की हो, जो पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर हो, तो वो अपने आप ही रोमांचक बन जाता है। हम बात करें गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम की। इस बार दोस्तों ये भिड़ंत राजस्थान के स्वाई मानसिंह स्टेडियम में हुई। पिछली बार दोस्तों जब राजस्थान गई थी गुजरात में तो उन्होंने बुरी तरीके से हरा दिया था गुजरात को, लेकिन इस बार पासे कुछ ऐसे पलटे कि ये आईपीएल 2023 की सबसे बड़ी जीत बन गई है। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इस बार राजस्थान में घुसकर गुजरात का प्रदर्शन देखने वाला था। टॉस जीती राजस्थान, उन्होंने बल्लेबाजी चुनी, लेकिन इस बार बल्लेबाजी कुछ ऐसी कि मानो स्कूल क्रिकेट टीम से भी बेकार खेली राजस्थान की टीम। आप इनके आंकड़े तो सुनिए, 14 पर यशस्वी जायसवाल, 8 रन पर जॉस बटलर, 12 पर देवदत्त पडिक्कल, 2 पर अश्विन, 4 पर रियान पराग, हेटमायर 7 रन और ध्रुव जोरेल 9 रन। दोस्तों, ज्यादातर खिलाड़ी तो 10 से आगे बढ़ ही नहीं पाए। हाँ, सैमसन 20 गेंदों में 30 रन जरूर लगा गए, लेकिन क्या ये 20 गेंदों में 30 रन मैच जिता सकते हैं? कभी नहीं। और 18वें ओवर तक आते आते ये टीम 118 पर ऑल आउट हो गई। गुजरात जैसी टीम जो पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियन है, जिनके पास कभी ना खत्म होने वाला बैटिंग लाइनअप है, क्या दोस्तों उनके लिए 119 चेस करना कोई बड़ी बात थी? बिल्कुल भी नहीं। और आज उन्होंने चेस भी किया तो स्टाइल में। दोस्तों, गुजरात की टीम की तरफ से ओपन करते हैं रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल, और दोनों खिलाड़ियों की पारी ही इतनी ताबड़तोड़ थी कि आधा मैच खत्म कर गए। आपको बता दें कि पहले विकेट तक के लिए 10वें ओवर तक का इंतजार करवाया गया राजस्थान को। माना कि चहल ने शुभमन गिल को 36 रन पर स्टंप आउट करा दिया था, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, क्योंकि उसके बाद मैदान में एंट्री हुई हार्दिक पांड्या की। और तूफानी बल्लेबाजी किसे कहते हैं, आज ये पांड्या सबको सिखा गए। 200 पांड्या का स्ट्राइक रेट कोई 150 या 200 नहीं, बल्कि 260 के ऊपर था। 15 गेंदों के अंदर इस खिलाड़ी ने 3 चौके जड़े, 3 शानदार छक्के जड़े और पूरे 39 रन जड़ दिए। उधर रिद्धिमान साहा भी 34 गेंदों में 41 रन जड़ चुके थे 5 चौकों की मदद से। लेकिन पांड्या की जो पारी थी उसे देखकर तो आज सैमसन की भी आत्मा झुलस गई होगी, क्योंकि दोस्तों युजवेंद्र चहल हो, एडम जाम्पा हो, संदीप शर्मा हो या फिर ट्रेंट बोल्ट हो, जो भी पांड्या के सामने आया आज उसके 2 टुकड़े हो गए। और पांड्या ने दोस्तों इसी 15 गेंदों में अपनी 39 रन की नाबाद पारी के चलते अपनी टीम को 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर जिता दिया। इससे इनका नेट रन रेट तो बहुत खराब हुआ है, लेकिन गुजरात का पूरी तरीके से स्काई रॉकेट हो गया। इतनी बुरी हार के बाद दोस्तों सैमसन ने भड़कते हुए क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी हार के बाद संजू सैमसन ने अपने बयान में कहा, मेरे पास इस वक्त शब्द नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इस हार को क्या नाम दिया जाए। आईपीएल के इतिहास में ये अब तक का राजस्थान की टीम का सबसे घटिया प्रदर्शन होगा, इस बात में कोई शक नहीं। और इस हार का जिम्मेदार हमारी टीम का प्रत्येक खिलाड़ी है, यहाँ तक कि मैं खुद भी अपनी टीम की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार तो खुद को ही मानता हूँ। आज हमारा पावर प्ले बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। गुजरात की टीम के सीमर्स ने बहुत अच्छी लेंथ से गेंदबाजी करी पावर प्ले में, उनको वो सब विकेट मिल चुके थे जो उन्हें चाहिए थे, और हम वो सब विकेट गवा चुके थे जिनकी हमें जरूरत थी। पावर प्ले खराब होने के चलते मिडल ऑर्डर पर प्रेशर आया, और जैसे ही मिडल ऑर्डर भी आउट हो गया, टीम के बाकी खिलाड़ी क्या ही कर सकते थे। ये बहुत ही कम लक्ष्य था जिसे गेंदबाज चाहकर भी डिफेंड नहीं कर सकते थे, और इतने कम लक्ष्य के चलते गेंदबाजों का मनोबल टूटा जो हमें हार की तरफ ले गया। उधर हार्दिक पांड्या जैसे कप्तान जब सामने हो तो आपको एक्स्ट्रा स्मार्ट बनकर मैदान में चलना पड़ता है, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी और बल्लेबाजी से लेकर कप्तानी का जो हुनर स्थापित कर चुके हैं अपने अंदर, उसको चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगली बार, इस बार के सीजन में भी अगर एक बार भी मुलाकात हो जाए गुजरात से, तो उन्हें हराकर अपना हिसाब चुकता जरूर करना चाहेंगे। उम्मीद है ऐसा बहुत जल्द होगा और इस हार से हमारी टीम जरूर सीख लेगी। दोस्तों, सैमसन बुरी तरीके से भड़के हुए थे। इतनी बुरी हार आईपीएल में इस बार के सीजन में किसी की नहीं हुई, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, पांड्या और सैमसन इन दोनों में से बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।